टीम इंडिया में विराट युग चल रहा है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कह रहे हैं क्योंकि एक नया खेल दिखा रहे हैं विराट कोहली, जहां वो सब कुछ हो रहा है जो अब तक हमने नहीं देखा। हर चीज़ असंभव से दिखाई पड़ रही है। जीत की विराट गारंटी बन चुके हैं कोहली। कोहली के आगे कोई भी मिशन मुश्किल नहीं है, हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और विराट बन गए हैं हिंदुस्तान की शान। इसी पर पेश है हमारी आज की खास पेशकश। साथ ही हम आपको विराट की जीत गाथा भी दिखाएंगे, साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी से भी इस पर बातचीत होगी ढेर सारी। तो हिंदुस्तान की विराट शान ये हम यूं ही नहीं कह रहे, इनका करियर ग्राफ हमें कहने के लिए मजबूर कर रहा है और अभी का फॉर्म कहने के लिए मजबूर कर रहा है। मनी सर, ये क्या कर रहे हैं विराट? मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तो अफ्रीका वालों के साथ सीधे सीधे मजाक किया जा रहा है विराट की तरफ से। बिल्कुल, कल की बैटिंग तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मजाक कर रहे हैं उनकी बॉलिंग के साथ, क्योंकि ऐसा इंपैक्ट बनाते हैं, ऐसी बैटिंग करते हैं, ऐसी एग्रेशन दिखाते हैं कि बड़े बड़े बॉलर्स बैकफुट पर चले जाते हैं। मोने मॉकल जिन्होंने की बहुत बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन जब विराट कोहली सामने आए तो उनको भी, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। ये क्लास है विराट कोहली की, आई थिंक ये मेहनत जो उन्होंने की हुई है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन, उनका जो फोकस है और उनका जो एक सिंगल एम है कि जो मज़ा आना शुरू हुआ है उसको पूरा उठाना चाहते हैं मैदान के ऊपर। आप देखिए, खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी टीम भी परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण सेट कर रहे हैं। गावस्कर साहब भी जब आपने पहले पैकेज में दिखाया, उनके पास भी अल्फाज कम हो गए थे, वो भी कितने एक्साइटेड हो गए थे, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि कितनी तारीफ करें और किस चीज़ की तारीफ करें, बॉलिंग की तारीफ करें, बैटिंग की तारीफ करें, फील्डिंग की तारीफ करें। लेकिन विराट कोहली का जहां तक सवाल है, ऐसी बैटिंग करते हुए मैंने वनडे क्रिकेट में किसी, बाकी आपने सही कहा कि गावस्कर साहब के भी अल्फाज जो थे वो अटकने लगे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें जहन में चल रही थी। जीनियस, जीनियस शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने इनके लिए। और सुनील गावस्कर जैसा शख्स, एक खिलाड़ी जब ऐसा कहता है किसी के लिए तो वाकई कई मायने रखता है। एक जीनियस किसी खिलाड़ी के लिए को जीनियस बुला रहा हो तो आप अंदाज़ा लगाएं वो कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे होंगे। और बिल्कुल सही बात बोली, खुशकिस्मत है मैदान के ऊपर कॉमेंट्री कर रहे हैं, उनको लाइव देख रहे हैं, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह की वो डोमिनेटिंग बैटिंग कर रहे हैं, अमेजिंग। मतलब 19 शतक उनके लग चुके हैं चेस करते हुए, आप अंदाज़ा लगाएं 35 में से 24 बार शायद चेस करते हुए उन्होंने सेंचुरीज लगाई है, जिसमें से 19 बार उन्होंने मैच जिताया। सो कितना मजा आता होगा उनको इस तरह की प्रेशर सिचुएशंस में बैटिंग करने का। और वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड देखिए, कन्वर्जन रेट कितना बेहतरीन है, 81 बार 50 के स्कोर के ऊपर गए हैं, जिसमें से 35 बार उसे सेंचुरीज में कन्वर्ट किया है। सो ये उनका पैशन है जो मैदान के ऊपर उतारते हैं, और शायद यही वजह है कि इतनी अथॉरिटी के साथ आप जीते भी हैं, क्योंकि बाकी टीम भी वही करना चाहती है जो विराट कर रहे हैं। उनके 50% भी पहुंच जाए तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कल की पारी जो थी विराट की, वो कई मायनों में खास थी, लेकिन कल का मैच भी बेहद खास था। कल इतिहास रचने में टीम इंडिया मनिंदर जी कामयाब रही है और पहली बार हम कोई सीरीज वहां से निकाल के लेके आए। बिल्कुल, और कितनी अथॉरिटी के साथ जीता है ये साउथ अफ्रीका की टीम। हालांकि इसमें 2-3 खिलाड़ी इनके इंजर्ड रहे काफ़ी टाइम के लिए, डिकॉक इंजर्ड हैं, 3-4 मैचेस नहीं खेल पाए, डुप्लेसी जो कि उनके कैप्टन है वो पूरी पहले मैच के बाद नहीं खेल पाए, पहले 3 मैचेस डिविलियर्स नहीं खेल पाए थे। उसके बावजूद ये इतनी कमज़ोर टीम नहीं थी साउथ अफ्रीका की, जितनी कि इंडिया ने जिस तरह की क्रिकेट खेली उसकी वजह से लगने लगी। सो ये अथॉरिटी है इंडियन टीम की, दहशत पैदा कर दी है। और जिस तरह से इंडियन टीम ने, हालांकि बैटिंग बहुत ज़्यादा पहले 3 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स जो कर रहे हैं काम इंडिया टीम के लिए, और ख़ासतौर से आपके जो स्पिनर्स, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी टीम बन सकती है। अगर मिडिल ऑर्डर की जो समस्या है उसे पूरा कर लिया जाए तो ये बड़ी बड़ी टीमों को मात दे सकते हैं जो पूरी 100% स्ट्रेंथ पे भी होंगी। और जो गावस्कर कह भी रहे थे कि ऐसा लग रहा था ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है। सर, वक्त इतनी इजाज़त दे रहा है मनिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वर्ल्ड चैंपियन टीम है, इस तरह का खेल टीम इंडिया ने खेला और विराट का खेल जिस तरीके से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में और भी कई रिकॉर्ड टूटते हुए हम ऐसे ही देखेंगे।